पान खा तलवार तलवार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज वीडियो का स्टार्ट शुरू से कर नहीं पाए क्योंकि सीन ये था कि हमें आना था स्कूल के टूर पे। तो अभी इस वक्त हम जो है जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। सिंधियाला जी जो इधर क्या है भाई, सिंधियाला जी भैया की म्यूज़ियम। हाँ, तो सिंधियाला जी जो म्यूज़ियम है उसको विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कौन कौन सी पॉइंटें हैं जो हम घूमेंगे। सारी टीम जो है हमारी जो है वो आगे जा चुकी है और मैं और काशी भाई पीछे पीछे जा रहे हैं। काशी भाई हेलो, कैमरा को देख के हाथ चलाएं, कमेंट में अपने हाथ दिखाएं हमें। इंटर होते ही भाई हमारे जो सिंधी कल्चर है उसका ये सीन हमें कुछ मिला है। ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस, कसम से ज़बरदस्त जो है ना म्यूजियम है और मज़ा आ रहा है। गुल पटन मना है न कंखे परपोज कहसी मैटर थो गर्मी असर आ मज़ा आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, देखो तो सही भाई क्या हो गया है भाई, मज़ा है ना। ये भाई इधर फोटोशूट वगैरह चल रहे हैं और सामने सारे जो है हमारी जो बस के मेंबर हैं वो सारे जो हैं लगे पड़े हैं। काशी भाई इतने मना मर्दन सा ना जाए तो ठप करना। अभी ये एंटर होने वाले हैं। अब क्या चीजें हैं ये थी पुराने पुराने जी पैरन में पहनने वाली छेद, पुराने जमाने के जो जेवरात हैं वो ये पांदे थे और ये भी छेद है, इसमें ये छोटी साइज की बड़ी साइज की मैंने तो रखे हैं ये। सर अस्सलाम वालेकुम, मजा आ रहा है सर? 15 साल का वो ये कोई बच्चा 15 साल पर भी सागे ये बैठा हुआ। अच्छा, 15 साल का वो भी ये बैठा है, वो थार गोट के सही हलाए जो मजो होती है दर सही से इतना आदमी होते ही बैठो आने आसान गाती थी सिक्का न पुराने जमाने का। सही अस्सलाम वालेकुम, खुश आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह। छोकरा छा पो करे भला छा पो करे मान जो बजाय लगो आदमी भूख लगे आसा है या तो ना बजाय बोला सही की मजा आते पियो। हां हूं है ना मजो अचे पे वाकई। हाँ अजा अगते हल को मो तू है हां तू है मुखे लगे ही है तो हेट अरे तू बैठो है। आसो भाई कैसे मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है। टाइट वाला जबरदस्त ये सही पुराने जमाने का काफी जमाने का सारा ये सुख वगैरह पड़ी हुई है इनकी। माना गुल सिंधी म्यूजियम में बाकी सही है वाकई
और इसमें बड़ा जो है दर्द है आलम टेंशन तो सिंध माणक मोती तंजीम पारां शाह लतीफ़ एवार्ड सिंध जो अजीम शायर मोहतरम सैयद मुर्तज़ा ॾाढाई 27/10/13 अमेज़िंग बिल्कुलु हलो प्रोफेसर शिवाराम शेरवाणी वाओ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ ਆਲਮ ਚੰਨੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਨੋ ਸਾਂ ਕਿਦਾ ਚੰਦਾ ਤੁਲਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੋ ਤੇ ਚੰਨਨ ਦੀ ਕੌਮ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਆਲਮ ਚੰਨੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਚਨਾਬਾ ਨਾਮ 1953-7 ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਵਰਲਡਸ tallest living man until he died on 2 July 1998 in a hospital at New York due to kidney failure. Channa served at the shrine of Shahbaz Qalandar at 7. He stood at a height of 7.7 feet. माशाल्लाह जबरदस्त 7.7 feet जो हाइट है वो जो है हमारे आलम चन्ना साहब उनकी है भाई और यार 7.7 जो फिट है वो मोहम्मद आलम चन्ना की जो हाइट थी और मुझे नहीं लगता आजकल के दौर में इतनी हाइट किसी की हाँ 6 feet भाई बड़ी बात हो गई है 7.7 बड़ा है बंदा होगा ऐसे कद वाला काशी भाई ये कौन है स्क्रीनशॉट भाई मैं वीडियो बना रहा था आप जो है ना मेरी वीडियो में जाके और स्क्रीनशॉट बना लेंगे आप हमारे लोग में आ गए थैंक यू कच्चे धारे लासा में कच्चे में गद धारा गला हां तो वो ही कम कर दो दोस्त पड़ी हो ना पुलिस साईयों बेदला सही की है मजा आचे हो मजा आयो जबरदस्त है ना हां माशाल्लाह मजा ही मजा टेंशन एरिया में गए एंटर मुझे बचाओ काशी क्या हाल बुध घनी घनी कुहारी पई अई मूं वटि तल तलवारूं तलवारुनि सां अहिड़ा टुक ईंदई बसि बसि हा ईंदई गुल डाए गुल गुल डारी सही इते बि रिपीट कयां बीठो आहे माना गुल जेके बि आहिनि न उहे लिंगा आहिनि ॿुधव असांजे पुराणे पुराणे ज़माने खे जो आहे न बिल्कुलु नायाब हथियार कीमती जो हथियार आहे न उहो अब तक पड़ियो आहे छा न बमन छा न पाण खां वधीक मुंहिंजे ख़्याल में हींअर त काशी खां वधीक त माको काशी थो करे कीअं पुत्र पुत्र करे कुतनि खे मांस ॾियांसि अलाह छा साहिबु पियो थिए मां वरी ख़बर अथई शफ़ू खे छा सां बचायां हेॾा ॾिस हेॾा अचु हिन सां शफ़ी डायरी मां तोसां आई आहे दिला जो मां तोखे मल्हाए मां इमरान खे अॻियां करे छॾियां तो भाईजान फाइनली हम आ चुके हैं ॿाहिरि म्यूज़ियम से और अंदर गर्मी बड़ी टाइट हो रही थी देख रहे हैं पसीने कैसे निकल रहे हैं आपके भाई को यार इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप कम से कम जो है मुझे
जो है ना कुछ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने भाई को, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वाली। फाइनली हम बैठने लगे हैं अपनी इस बस में, और काशी भाई और मैं सबसे हमेशा की तरह पीछे और लेट, दोनों काम हम में है ऐसे। तो भाई फाइनली हम यहाँ से निकल, तो भाई फाइनली हम यहाँ से निकलने लगे हैं और हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। इस वक्त जो है हमारे जो ग्रुप के एक मेंबर हैं वो मिस हैं, उसकी वजह से पूरी जो बस है वो इंतज़ार में है। इस वक्त जो है हमारी जो बस है वो सिंध यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उस पर खड़ी हुई है, और बिल्कुल ठीक है सिंधिया लाजी के सामने। अब इंतज़ार देखें कितनी देर करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर आपसे आगे मिलते हैं।